गुड मॉर्निंग, आप लोग का स्वागत है मेरे डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप लोग एक पेट लेने की सोच रहे हैं, अगर आप एक डॉग लवर हैं या फिर एनिमल लवर हैं, तो अगर आप एक अपने घर पे छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा एक बच्चा लाना चाह रहे हैं, या मतलब डॉग अपने घर पे आप नया मेहमान लाना चाह रहे हैं, तो आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि कौन सा पेट लें, क्योंकि बहुत सारी ब्रीड है, बहुत सारी तरह तरह डिफरेंट ब्रीडें हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर ख्याल आ रहा होगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और YouTube पे आपने सर्च किया होगा तो आपको लगभग सारी ब्रीड बहुत अच्छी दिखाई देती होगी, सब प्यारे प्यारे से बच्चे दिखाई देते होंगे। तो बहुत सारे ब्रीड्स बहुत ही कॉस्टली हैं, जो काफ़ी लोग आराम से नहीं खरीद सकते हैं, और बहुत से सारी ब्रीड जो बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, ये डॉग आपको काफ़ी इजीली और सस्ते में मिल जाते हैं। तो इस वजह से चलिए वो कंफ्यूजन मैं आप लोगों का दूर करता हूँ कि आप लोग को कौन सा डॉग लेना चाहिए। जैसा कि मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में, बराबर मैं उसकी देता रहता हूँ आप लोगों को, और अभी वो बहुत ही मस्ती कर रही है, और यहाँ बॉल लेक मैंने बनाई थी तो उसके साथ ही वो काफ़ी खेल कूद रही है। सो गाइस, चलिए सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको डॉग किस पर्पज़ से चाहिए। सबसे पहले आप यही क्लियर कर लो कि आपको डॉग किस काम के लिए चाहिए। तो अगर आपका ये क्लियर आप कर लेते हो, अगर मान लीजिए आपको घर पे रखना है, आप एक डॉग लवर हो तो घर पे रखना है, तो सबसे इजी डॉग जो आपके लिए है वो मैं बताऊंगा कि अगर आपका छोटा घर हो तो सबसे पहले छोटे घर के लिए आपको एक पोमेलियन रखना चाहिए। तो पोमेलियन जो होते हैं ये उनको कम स्पेस की जरूरत पड़ती है, और पोमेलियन को देखा ही होगा, बड़े बड़े बालों वाले, खूबसूरत से प्यारे से रखते हैं, और छोटी ब्रीड होती है वो, और काफी अच्छी ब्रीड होती है। ऐसा नहीं है कि वो भी वर्क करती है, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है, कहीं सर्कस में भी आप लोगों ने उसको देखा होगा कि वो लोग कितने अच्छे ट्रेंड होते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों छोटे और स्मॉल उसके लिए। और अगर आपको एक केवल थोड़ा लार्ज ब्रीड में चाहिए, मतलब लार्ज और मीडियम में, तो घरेलू डॉग चाहिए, तो अगर घरेलू डॉग चाहिए तो आप लेब्रा रखिए। लेब्रा जो होते हैं ये पुलिसिया डॉग, इनको पुलिसिया डॉग भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वालों के पास व्हाइट और ब्लैक कलर की जो होते हैं, और बहुत ज़्यादा लार्ज ब्रीड नहीं होते हैं, मीडियम ब्रीड होते हैं वो लोग, और लेकिन उनको स्पेस चाहिए, और वॉकिंग और रनिंग उनको बहुत ही जरूरी है, और एक्सरसाइज कराना पड़ता है उन्हें। एक्सरसाइज अगर आप करा लीजिए तो आप उनको रखिए, और नहीं तो वो लोग थोड़े से होते क्या है कि खाना खाने में बहुत ही आगे होते हैं, वो लोग घर के खाने में भी बहुत आराम से रह लेते हैं, और उनको खाना बहुत अच्छा लगता है, वो खाते ही चले जाते हैं और फिर लेजी हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बस घर पे बैठे ही रहेंगे, बाकी क्या है कि बहुत ज्यादा। सो गाइस, वो बहुत ही फैमिलियर डॉग होते हैं, और अगर आपको एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा इंटेलिजेंट डॉग चाहिए, और घरेलू हो, फैमिली हो, फैमिलियर हो, तो आप वही डॉग। सो गाइस, लेब्रा आपके लिए बहुत ही मस्ट और फैमिली डॉग, बहुत ही अच्छा डॉग, आप उसे भी ला सकते हैं। और अगर आपको गाइस एक लार्ज ब्रीड में मतलब चाहिए, और अपने मतलब आप उसके शौकीन हैं, तो आप डॉबरमैन ले सकते हैं और ग्रेट डेन आता है, ये दोनों ब्रीड लार्ज ब्रीड में आते हैं, ये काफ़ी बड़े ऊंचे, इतने बड़े बड़े डॉग होते हैं, इनको देख के कोई भी अचानक सा डर जाएगा, और बहुत ही खतरनाक भी होते हैं ये दोनों लोग। ये आपको अगर बहुत बड़ा घर हो और कहीं एकांत में घर हो, कहीं सुनसान में हो, बहुत ही जंगली इलाके में अगर आप रहते हो, तो आप इन दोनों को रख सकते हैं अपने घर पे। और डॉबरमैन भी ये जान लीजिए कि ये जर्मनी का ब्रीड है, बहुत ही लॉयल डॉग है अपने ओनर के लिए या फिर फैमिली के लिए भी,
बहुत ही लॉयल होते हैं, लेकिन इनको कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है गाइस। तो मेरा सजेस्ट है कि आपको अगर एक बच्चों के साथ फैमिली में रखना है तो छोटे से ट्रेनिंग की जरूरत उसे बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आप वो ट्रेनिंग दे पाए उसको अपने घर में और अच्छे से रख पाए उसको तो आप घर में रखिए, अन्यथा उसको घर में मत रखिए। और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर आप फर्स्ट ऑनर हैं, मतलब पहली बार डॉग लेने की सोच रहे हैं, तो आप ग्रेट डेन और डॉबरमैन और रॉटवेलर ये डॉग ना लें, क्योंकि ये थोड़े अग्रेसिव ब्रीड हैं, काफी अग्रेसिव ब्रीड होते हैं। तो ये थोड़े आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छे से सेट नहीं बैठ पाते क्योंकि इनको बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने डॉग को इनको समय दे पा रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप ला सकते हैं, बहुत ही लाजवाब डॉग है ये लोग, काफी अच्छी गार्डिंग इनकी है। इनकी गार्डिंग मतलब आप देखोगे तो देसिया डॉग है जो डॉबरमैन है, ये भी एक जर्मनी का ब्रीड है, तो ये काफी मतलब लोग इसको पसंद करते हैं और विदेशों में काफी ज्यादा इसकी चलन है और काफी लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही लॉयल और बहुत ही वफादार और बहुत ही अड़ियल डॉग है। तो ये डॉग जो होता है काफी अड़ियल डॉग होता है, मतलब किसी से नहीं डरेगा, अपने ऑनर के लिए किसी से भी भिड़ जाएगा, ये कोई इसे फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जान दे के भी आपको बचा लेगा। सो गाइस ये हुआ, जहां अगर आपको कहीं फार्म हाउस हाउस पे रखना है तो आप ये तीनों डॉग रख सकते हैं, रॉटवेलर भी आप रखेंगे। ये सब अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव ब्रीड में आते हैं। तो अग्रेसिव ब्रीड जो होते हैं जिनको आप केवल गार्डिंग पर्पज के लिए लोग ही रखते हैं और फैमिली डॉग के लिए बिल्कुल ज्यादा नहीं रखते हैं। और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे मीडियम लार्ज भी ब्रीड मिल जाए और वो फ्रेंडली भी रहे, घरेलू भी रहे और सबको पहचाने, सबके साथ घुल मिल के रहे, मेरे बच्चों के साथ अच्छे से खेले, सब कुछ अगर आप चाहते हैं, मल्टीप्लाई मतलब जिसको कहते हैं एक डॉग में अगर आप चाहते हैं, तो वो डॉग आप जर्मन शेफर्ड रखें। तो जर्मन शेफर्ड जो ये भी जर्मनी की ब्रीड है, तो ये भी जर्मनी की ब्रीड है और जर्मनी की ब्रीड जो ये जर्मन शेफर्ड है दोस्तों, ये तीन कोट में लगभग आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी कोट जो मानी जाती है वो डबल कोट लॉन्ग कोट में होते हैं, ये दोनों काफी अच्छी ब्रीड मानी जाती है। और यही प्योर एक शॉर्ट कोट में भी इंडिया का प्रचलन चल गया है तो वो भी चलती है, लेकिन अगर वर्किंग लाइन का लेंगे तो वो भी अच्छा है। कोई भी डॉग हो आपको, हालांकि जर्मन शेफर्ड भी है तो ये मल्टीप्लाई डॉग, मतलब ये हर मामले में आपके लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन इसको भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर आप बचपन से रखते हो तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं देते, फिर भी आपके फैमिली के साथ और आपकी गाइडिंग के लिए एकदम जबरदस्त डॉग होता है ये। जैसा कि ये मेरी सूटी है और अभी ये आज्ञाकारी है, सब कुछ है, बात मानती है और करती है और बहुत अच्छी गार्ड गार्ड डॉग भी है। सूटी कम हियर, आ जा बेटा, आ जा, गुड गर्ल, सूटी सूटी गुड गर्ल, चलो हैंड चेक करो, गुड गर्ल। बच्चों के साथ आप इसे देख लो कितना फ्रेंडली है, आज बेटा आओ, आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। देखिए तो ये बच्चों के साथ भी इसको पकड़ो, सर पर खिलाओ, तो ये बच्चों इधर से घुमाओ, तो ये बच्चों के साथ भी देखिए कितनी फ्रेंडली होते हैं ये लोग। तो ये मैं इसको मल्टीप्लाई डॉग बोलता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई डॉग है, इसको जो आप सिखाना चाहोगे बहुत ही इजीली सीख जाएगी और काफी इंटेलिजेंट डॉग है। पुलिस स्टेशन में आप लोगों ने देखा होगा विदेश से लेके इंडिया तक में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले कुत्ते यही है। इनका काम फौजी कुत्ता भी है और सीआईडी डॉग आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा सुना होगा, सीआईडी डॉग इन्हीं को कहते हैं। और जर्मन शेफर्ड जो है ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि जिसको मैं एक घंटे में जो चीज ट्रेन करना चाहता हूँ एक घंटे में ये तुरंत, अभी मतलब मैंने एक दो बार प्रैक्टिस किया, एक दो बार इसने तुरंत ये पकड़ लेती है और बस अगर एक दो दिन मैं इसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ तो वो चीज इसको प्रॉपर से आ जाती है। थोड़े खुद कर आ जाओ, चलो आ जाओ लो। अगर आप इसकी गाइडिंग देखना चाहते हैं तो आप इसकी मजबूत पकड़ देख सकते हैं। थोड़े Good job.
सो गाइस अभी आप लोगों ने इसकी गार्डिंग देखी और इसको फ्रेंडली भी देखा, तो इस वजह से एक फैमिलियर डॉग भी है, एक गार्ड डॉग भी है और वफादार है, इंटेलिजेंट है। तो जो जिस तरह आप रखना चाहें तो ये डॉग आपके लिए बेटर पड़ेगा। और इंडिया में आजकल ठीक है, मेल आपको लगभग 13-14 हज़ार में मिल जाएगा। अगर अच्छी जगह से लेंगे थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ता है, लोग महंगा ले लेते हैं। फीमेल आपको 9-10 हज़ार में मिल जाएगी। सो गाइस तब तक के लिए फिर आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए, आप किस के टॉपिक पे सटेबुल आपको बैठेगा। सो गाइस मैं इसको अब वॉक कराने जा रहा हूँ, कुछ ट्रेनिंग भी दूंगा, उसी वीडियो आपको मिलेगी। तो गाइस तब के लिए जय हिंद।